एवरीवन, माय नेम इज साक्षी और स्वागत करती हूँ आप सभी का पिनाकल कोचिंग पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर दिन हम आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आते हैं, जहाँ पर हम लोग करते हैं इस 7600 प्लस एमसीक्यूज वाली बुक के क्वेश्चंस। ये सीसी इंग्लिश की एक बुक है, जहाँ पर CGL, CHSL, MTS, CPO सारी शिफ्ट में TCS के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हमने कंपाइल कर रखे हैं आप लोगों के लिए। बुक को आप परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी बुक को परचेज कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने बुक को नहीं खरीदा है तो बुक को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि बुक बहुत ही बेनिफिशियल है अपकमिंग एग्जाम के लिए। टीयर टू के एग्जाम अभी आने वाला है, सो टीयर टू के लिए आप प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो इस बुक में सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एड कर दिए हैं। ठीक है, ऑलरेडी एडेड है। बुक को परचेज करने के लिए अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो ई बुक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, साथ ही साथ बुक आपको आपके पास के बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी। ठीक है, सो कैसे भी खरीद लो, ऑनलाइन ऑफलाइन ई बुक ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे टेस्ट पास को परचेज नहीं किया है, पिनाकल के SSC के टेस्ट पास को परचेज नहीं किया है, तो पिनाकल के टेस्ट पास को आप परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब आप समझो मॉक क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गए, शिफ्ट वाइज कंपाइलेशन हो गया क्वेश्चंस का, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन हो गया क्वेश्चन का। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। टेस्ट दे सकते हैं आप वहाँ से टाइमर लगा के, राइट, टेस्ट पास है तो टेस्ट के लिए ही है। विद अ टाइमर आप क्वेश्चंस करेंगे, जो एनालाइज करने में आपको हेल्प करेगा कि आप कितने तैयार हो चुके हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि SSC में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं पेपर में, सो एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो थी सारी की सारी बेसिक बातें जो हम हर दिन करते हैं और सुनने के बाद बहुत सारे बच्चे बुक्स को परचेज भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जहां पर हम लोग कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं बेसिकली अराउंड 510 क्वेश्चन। देख लीजिए, एक ही टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ही हमने इतने सारे क्वेश्चन 510 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, जो कि CHSL में पूछा गया है, हम लोगों के सामने आ चुका है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, बताइए। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं जीतता है, कोई भी नहीं जीतता है, उस गेम को क्या बोलते हैं? कॉन्क्विस्ट, ड्रॉ, ट्रिम्फ या फिर फीट,
क्या रहेगा करेक्ट आंसर? सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं जब दो टीमों में से कोई भी टीम नहीं जीत पाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, ड्रॉ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ऐसा गेम जहाँ पर कोई नहीं जीतता है उसको बोलते हैं ड्रॉ हो जाना। ठीक है, चलिए, कॉन्क्विस्ट क्या होता है? एजम्पशन ऑफ कंट्रोल ऑफ अ प्लेस और पीपल बाय मिलिट्री फोर्स। ठीक है, हम जब एक मिलिट्री फोर्स जो है, मिलिट्री जो है एक जगह को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रिम्प। हमारी जीत हो गई, फीट हमारी क्या हो गई, कोई भी अचीवमेंट जो बहुत ही ज़्यादा करेज, स्किल और स्ट्रेंथ मांगता है और आप उसको कर लीजिए, तो दैट इज़ योर फीट, आपने जो चीज़ अचीव की है। ठीक है, क्लियर? सो सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो पानी चल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम जो है पानी की, उसको क्या बोलते हैं? रिवलेट, क्रीक, टोरेंट या फिर ट्रिकल? क्या रहेगा 512 का करेक्ट आंसर? जल्दी से, ये भी CHSL में ही पूछा गया है, 2019 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सी, जी हाँ, जिसने अगर सी बोला है तो उनका करेक्ट है, सी हमारे यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर को बोलते हैं टॉरेंट। ठीक है, रिवलेट क्या होता है? एक स्मॉल स्ट्रीम होता है पानी का या फिर किसी भी लिक्विड का, धीरे धीरे से चलने वाला छोटी सी स्ट्रीम टाइप की, लहर टाइप की। क्रीक क्या होता है? एक स्ट्रीम हो गई या फिर माइनर ट्रिब्यूट्री। ट्रिब्यूट्री क्या होता है? हर जगह से पानी की लहरें आई और एक जगह आकर मिल गई। सो ये जो छोटी छोटी आई हैं, दैट इज ट्रिब्यूट्री। ठीक है, ये जो आया है दैट इज ट्रिब्यूट्री। ट्रिकल क्या होता है? फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम। ठीक है, लिक्विड टपकता है छोटे छोटे स्ट्रीम में जब बहता है, दैट इज ट्रिकल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, बहुत बार ये क्वेश्चन कर लिया है, CHSL में, CGL में, MTS में, सब में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ, कॉमरेड्स, फ्रेंड, कंटेम्प्रेरीज, कॉस्मोपॉलिटन्स, क्या रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, सी बिल्कुल सही है, सी हमारा करेक्ट रहने वाला है। कंटेम्प्रेरीज बोलते हैं जो एक ही समय में रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, कॉमरेड्स क्या हो गया? कोई भी कलीग या फेलो मेंबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कॉमरेड बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, जब आप अलग अलग देशों से लोगों को इंक्लूड करते हैं एक साथ, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, जो इंसान सीधे हाथ से भी लिख ले, उल्टे हाथ से भी लिख ले, दोनों हाथों को एफिशिएंटली यूज कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? जीनियस, स्किलफुल, एम्बीवेलेंट या फिर एम्बीडेक्स्ट्रस? करेक्ट आंसर बताएंगे, ये भी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन ही है। वन हु कैन यूज बोथ हैंड एफिशिएंटली, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। डेक्स्टर मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, डेक्स्टर मतलब होता है स्किलफुल। सो एम्बीडेक्स्ट्रस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जीनियस हम जानते हैं, जिसके पास कुछ नेचुरल एबिलिटी है, कुछ एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस है, दैट इज जीनियस, जो होशियार है। एम्बीवेलेंट क्या होता है? जब आप दो फीलिंग्स को लेकर साथ साथ चल रहे होते हो, मिक्स्ड फीलिंग होती है, सैड भी हो, हैप्पी भी हो, दैट इज एम्बीवेलेंट। ठीक है, क्लियर, चलिए। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, बताओ। जो भी, जिसकी हाइट बहुत छोटी है, कोई भी इंसान ले लो, जानवर ले लो या फिर कोई प्लांट ले लो, उसको क्या बोलते हैं? CGL के क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोगों के सामने, CGL में पूछा है। विजार्ड, ड्वार्फ, क्रिएचर या फिर विच?
क्या रहेगा करेक्ट आंसर? अ एनिमल, अ प्लांट और अ पर्सन विच इज बिलो द यूजुअल हाइट, अपनी हाइट से जो छोटा है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हैं, ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है, बोना, ठीक है, ड्वार्फ कहते हैं। विजार्ड क्या होता है? जिसके पास एक ऐसा आदमी, विच विजार्ड, विमेन हो गई विच, ठीक है, और विजार्ड हो गया एक ऐसा आदमी जिसके पास मैजिकल पावर है, ठीक है, और विच हो गई एक विमेन जिसके पास मैजिकल पावर है। क्रिएचर कोई भी एनिमल हो गया, ठीक है, एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 516, अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, बताओ, ट्रॉन्ट, वैग्रेंट, इटिनेरेंट या फिर माइग्रेंट, क्या रहेगा? इटिनेरेंट या फिर माइग्रेंट, क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर? जो बिना किसी को बताए, बिना किसी मेन रीजन के स्कूल को बंक करता रहता है। स्कूल बंक किया होगा आप लोगों ने तो आपको क्या बोला जाएगा? स्कूल नहीं जाता है, क्या रहेगा यहां पर 516 का करेक्ट आंसर? अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, ऑप्शन नंबर ए, ट्रुएंट बोलते हैं ऐसे स्टूडेंट को जो बंक करते रहते हैं, ठीक है, बिना किसी रीजन के क्लास से एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। वैग्रेंट क्या हो गया? अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वंडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव्स बाय बेगिंग, ठीक है। वैग्रेंट कौन होता है? जिसके पास एक सेटल्ड घर नहीं है, ठीक है, कोई रेगुलर काम नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है और लोगों से चीज़ें मांग मांग के अपना गुजारा करता है, बेगिंग करता है। इटिनेरेंट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करना। माइग्रेंट क्या हो गया? जो एक जगह से दूसरी जगह आया है रहने के लिए उसको माइग्रेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिव्स बाय बेगिंग, अरे अभी तो डिस्कस किया है, जल्दी से बताओ, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, वैग्रेंट, इटिनेरेंट, माइग्रेंट या फिर ट्रुएंट, सेम क्वेश्चन, क्या रहेगा करेक्ट आंसर 517 का? क्या रहेगा? अभी डिस्कस करके आए हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, वैग्रेंट। जी हाँ, वैग्रेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे वर्ड्स हम डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है, जस्ट अ सेकेंड। या अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, क्या बोलेंगे? सीजीएल में ही पूछा गया क्वेश्चन है, एलियन, नेटिव, रेजिडेंट या फिर ऑक्यूपेंट, एक पर्सन या फिर एनिमल या फिर प्लांट जो ओरिजिनली बिलोंग करता है किसी एक प्लेस से, उसको क्या बोलते हैं? क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर यहां पर? क्या बोलेंगे? नेटिव। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक पर्सन, एनिमल और प्लांट जो ओरिजिनली किसी प्लेस का है उसको वहां का नेटिव बोलते हैं, ठीक है, जहाँ के आप रहने वाले हैं आप उस जगह के नेटिव हैं बेसिकली। एलियन क्या हो गया? जो किसी फॉरेन कंट्री का है, हमारे देश का नहीं है। रेजिडेंट क्या हो गया? जो रहता है कहीं पर परमानेंटली या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है। ऑक्यूपेंट क्या हो गया? जो रिजाइड करता है, प्रेजेंट रहता है घर में, उसको वहाँ का ऑक्यूपेंट कहते हैं, क्लियर। चलिए, अ पर्सन हु ड्रॉज एंड प्रोड्यूसेस मैप, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीजीएल का पूछा गया है, सीएचएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर या फिर कोरियोग्राफर, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, मैप बनाने वाले को क्या बोलते हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी वाले बिल्कुल सही हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कार्टोग्राफर बोलते हैं ऐसे पर्सन को, ठीक है। कैलीग्राफर क्या होता है? जो बहुत ही अच्छी कैलीग्राफी करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ कुछ लिख देता है, दैट इज कैलीग्राफर,
ठीक है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? जो डिक्शनरीज को कंपाइल करता है, डिक्शनरीज को बनाता है, दैट इज लेक्सिकोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है? जो हमारे डांस के स्टेप्स को बनाता है, मूव को बनाता है, दैट इज कोरियोग्राफर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं, सीजीएल के ही चल रहे हैं। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडल, ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव फॉर कीपिंग ऑयल बियर एक्सेट्रा। बताओ, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर को क्या बोलते हैं जो ऐसे बाहर निकला है, मिडल से ऐसे बल्ज आउट है, ठीक है, और ट्रेडिशनली वुडन स्टेव का बना रहता था और वहाँ पे हम ऑयल रखते थे, बियर रखते थे, चीज़ें रखते थे उसमें, क्या बोलेंगे? बिन, बुशल, बैरल या फिर बेल, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? फाइव ट्वेंटी का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बैरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, 521 पे आते हैं। एन एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स इन, बताओ जहां पर हम बर्ड्स को रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? 521 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है ए बी सी डी में से? एवियरी, एपियरी, स्टेबल या फिर सेंचुरी? एन एनक्लोजर टू कीप्स द बर्ड्स इन, एवियरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है, एवियरी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब आसान है, एपियरी भाई हनी बीज वाला हो गया, जहां पे हनी बी को रखते हैं। स्टेबल क्या हो गया? जहाँ पर आपके रेस हॉर्सेस को रखा जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसको स्टेबल बोलते हैं। सेंचुरी क्या हो गया? जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जानवरों को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है, सीजीएल के ही क्वेश्चन हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, बताओ जिसकी डेथ हो गई है, जो अब नहीं रहा है, उसके इंस्क्रिप्शन, जो टॉम्बस्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन किया जाता है, लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पिलर, एपिटैप, स्लैब या फिर बेसिलिसा? बताओ बेसिलिसा क्या रहेगा? 522 का करेक्ट आंसर। किसी की टोम के ऊपर जो भी इंस्क्राइब किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, एपिटैप बोलते हैं। ठीक है, टैप बोलते हैं जो भी आपके टॉम्बस्टोन के ऊपर लिखा गया है। पिलर क्या हो गया? एक फर्म अपराइट सपोर्ट हो गया किसी भी स्ट्रक्चर का। स्लैब क्या हो गया? एक कंक्रीट स्लैब हो गया इन कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो बनाते हैं स्लैब टाइप का, हॉरिजॉन्टली जहाँ पे आप सामान को रख सकते हो। बेसिलिसा क्या हो गया? लार्ज पब्लिक बिल्डिंग हो गई, जहाँ पर जिसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विद मल्टीपल फंक्शंस। ओके, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी, 522 का करेक्ट आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा वर्ड है, याद रखेंगे। किसी की जब डेथ हो जाती है तो उसके टोम पे जो इंस्क्रिप्शन किया जाता है उसकी मेमोरी में, दैट इज एपिटाफ। ठीक है, 523 पे आते हैं, पर्सन लिविंग इन द एट द सेम टाइम। वेरी सिंपल, अभी डिस्कस करके आए हैं सीजीएल का क्वेश्चन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉम्पेट्रॉइट क्लीग्स या फिर कंटेम्प्रेरीज? जल्दी से, 523 का करेक्ट आंसर। द पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, क्या बोलेंगे इसको? क्या रहेगा करेक्ट आंसर यहां पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंटेम्प्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, लिविंग एट द सेम टाइम इज कंटेम्प्रेरीज। क्लियर, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? जो हर जगह पाया जा सके, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। कंपेट्रॉइट्स क्या होते हैं? सिटीजन्स हो गए, देश में रहने वाले निवासियों को बोलते हैं। ठीक है, जो साथ साथ रह रहे हैं। कलीग्स कौन हो गए? जो किसी भी काम में या किसी बिजनेस में साथ में हमारे साथ काम कर रहे हैं, दे आर कलीग्स। ठीक है, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, 524 पे आते हैं। समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट विल हैपन, बताओ। समवन हु बिलीव, जो मानता है कि पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट विल हैपन। प्रोफिट, फैटलिस्ट, फैनेटिक या फिर सीर, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? जिसका मानना ये है कि भाई जो चीज़ जैसी लिखी है ना वो होके रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे इवेंट्स होने लिखे होंगे आपकी लाइफ में, वो चीज़ होती रहेगी। ऐसा इंसान जो ये चीज़ मानता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को बोलते हैं फैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी अगर किसी ने आंसर किया है ना, तो बी वाले बिल्कुल सही हैं। फैटलिस्ट बोलते हैं ऐसे इंसान को जो ये मानता है कि इवेंट जैसे लिखे हैं, दे आर प्री डिटरमिंड, यू कैन नॉट चेंज देम, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोफिट क्या हो गया? अ पर्सन रिगार्डेड एज एन इंस्पायर्ड टीचर। ठीक है, जो इंस्पायर्ड टीचर है या फिर भगवान की मर्जी से जो लाइक जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है, वो प्रॉफिट हो गए। फैनेटिक क्या होता है? सिंगल माइंडेड जील, जब आप एक ही सनक में कोई चीज़ करते रहते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे ले जाकर कोई चीज़ को करते हैं, उसको बोलते हैं फैनेटिक, सनकी, क्रेजी। ठीक है, वर्ड सुने होंगे। सीर क्या हो गया? अ पर्सन ऑफ सपोज सुपर नेचुरल इंसाइट हु सीज विजन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, सीर क्या होता है? एक ऐसा बंदा जिसको फ्यूचर का दिखाई देता है, जो फ्यूचर का थोड़ा बहुत जिसको आइडिया रहता है, दैट इज सीर। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, बताओ। किसी भी लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसा इंसान जो दो पार्टी अपॉइंट करती है कि तुम इसको रिजॉल्व करा दो भाई, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोकर, वैल्यूअर, ऑडिटर या फिर आर्बिट्रेटर? क्या रहेगा करेक्ट आंसर यहां पर? ऑप्शन डी, आर्बिट्रेटर बोलते हैं ऐसे पर्सन को जो दो पार्टी अपॉइंट करती है किसी भी लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी सारे बहुत ही आसान वर्ड हैं। ब्रोकर क्या हो गया? जो प्रॉपर्टीज वगैरह का काम करता है, उन्हें बेचता है, खरीदता है। वैल्यूअर क्या हो गया? जो एस्टिमेट करता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या होने वाली है जब उसको परचेज किया जाएगा। ऑडिटर क्या हो गया? जो एक ऑडिट करता है कंपनी में, कितना अकाउंट देखता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, दैट इज ऑडिटर। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन डी आर्बिट्रेटर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 526। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, बताओ। यंग एनिमल की फैमिली को क्या बोलते हैं? अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल, नेस्ट, क्लच, ब्रूड या फिर ऑफस्प्रिंग, क्या रहेगा करेक्ट आंसर 526 का? ऑप्शन नंबर सी, ब्रूड बोलते हैं। यंग एनिमल्स की जो फैमिली होती है उसको ब्रूड बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग क्या हो गया? बच्चे जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग हो गए। ठीक है, क्लच क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ एग्स फर्टिलाइज एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे जब उन इनक्यूबेटेड टुगेदर एक साथ कर रहे हैं, एक ही टाइम पे फर्टिलाइज हुए हैं, उन अंडों को हम क्लच बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, एन एग्रीमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, बताओ। वेरी सिंपल, वेरी अरेंजमेंट है वो, एग्रीमेंट नहीं होगा, एन एग्रीमेंट नहीं होगा, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होना चाहिए, थोड़ा सा एरर है यहाँ पर। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, जब आप फूलों को अरेंज करते हो और उसको किसी को गिफ्ट दे देते हो, तो क्या बोलते हैं? बुके, रेथ, गार्लैंड या फिर बंडल, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? जल्दी से 527 का करेक्ट आंसर, बुके, ऑप्शन नंबर ए, भाई ए है करेक्ट आंसर। ठीक है, बुके बोलते हैं, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग स्पेल दी एरर में भी पूछा जाता है। ठीक है, रेथ क्या हो गया? एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम फास्टन इन अ रिंग एंड यूज फॉर डेकोरेशन फॉर लेइंग ऑन द ग्रेव। ठीक है, जब कोई मर जाता है तो उसकी कब्र पे रखने के लिए गार्लैंड टाइप का बनाते हैं, जहाँ पे सब चीज़ों को बांध दिया जाता है, दैट इज रेथ। गार्लैंड क्या होता है? जो आप फूल की माला चढ़ाते हो, किसी को देते हो। ठीक है, क्लियर? बंडल क्या हो गया? मटेरियल एक ही साथ टाई अप कर रखे हैं, ठीक है, रैप कर रखे हैं, उन्हें बंडल बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्लियर?
सो बुके ऑप्शन नंबर 527 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 528 पे। अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन ऑयल, बताओ क्या रहेगा, बैरल, केटल, स्किलेट या फिर कॉल्ड्रॉन, बताओ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 528 का। एक मेटल का पॉट टाइप का जो आपका आग आपने ऐसे नीचे लकड़ी पे लगाई और ओपन पे आप इसको रख के पका रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, अ डीप लार्ज मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, कॉल्ड्रॉन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बाकी सारे आप रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 529। अ लार्ज डीप पॉट यूज बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, बताओ बताओ क्या रहेगा करेक्ट आंसर। इसको आप क्या करते हो ना, आपने खाना रखा उस पॉट में, आपने उसको ओवन में डाल दिया, खाना गर्म हो गया, उसमें से आपने उसको बाहर निकाला और यू जस्ट सर्वड इट, आप उसको एज अ सर्विंग वेसल को भी एज अ सर्विंग वेसल भी यूज कर सकते हो, मतलब आप उसी में से सामान खाना निकालोगे और लोगों को सर्व कर दोगे। क्या कहते हैं इसको, सॉस पैन, कैसेरोल, स्किलेट या फिर कॉल्ड्रॉन, जल्दी से। ये तो वो हो गया कढ़ाई टाइप का जो अभी हम डिस्कस करके आए कि ओपन फायर में रखा और उसमें खाना पका दिया, ठीक है, कढ़ाई ये हो गई। यहाँ पर होता है कैसेरोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैसेरोल बोलते हैं, जहाँ पर आप क्या करते हो, एक पॉट टाइप का एक बर्तन है बेसिकली, जिसको आप डायरेक्ट ओवन में डाल दोगे, खाना गर्म हो गया, आपने ओवन से बाहर निकाला और ओवन से बाहर निकालने के बाद आपने खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द पीपल, ठीक है, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लावर्स और लीफ वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन द कॉफिन और ग्रेव, अभी डिस्कस करके आए हैं 530 का करेक्ट आंसर, जल्दी से। गार्लैंड, रेथ, बंच, बुके, ये बेसिकली ना अलग अलग शिफ्ट में सेम वर्ड्स वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन अलग अलग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, रेथ, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेथ बोलते हैं टू द फ्लावर्स और लीव जो एक साथ बांध दी जाती है और देन उसके बाद क्या करता है, उनको एक कॉफिन और ग्रेव में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू गिव अप द थ्रोन, जब आप अपनी गद्दी छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिक्यूत, असर्प, कंसाइन या फिर एबडिकेट। टू गिव अप दी थ्रोन, अपनी गद्दी जो आपकी राज गद्दी है उसको छोड़ देना, गिव अप दी थ्रोन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टू गिव अप दी थ्रोन मतलब एबडिकेट कर देना होता है। ठीक है, बिक्यूत क्या होता है, लीव प्रॉपर्टी टू अ पर्सन और अदर बेनिफिशियरी बाय अ विल, अपनी विल बनाकर आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के हाथ दे दे, दैट इज बिक्यूट। असर्प क्या होता है, टेक अ पोजीशन इलीगली बाय फोर्स, जब जबरदस्ती आप कोई चीज ले लो, ठीक है, किसी चीज का कंट्रोल ले लो, कोई चीज जब्त कर लो। ठीक है, कंसाइन क्या होता है, डिलीवर टू अ पर्सन कीपिंग, ठीक है, किसी को कोई चीज डिलीवर कर देना, दैट इज कंसाइन। ठीक है, कंसाइनमेंट सुना होगा आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे अच्छे वर्ड्स हैं, याद रखेंगे, पूछे जा सके सकते हैं, सर्प पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है, ये ऑलरेडी आस्क क्वेश्चन है सीजीएल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बताओ एक ऐसी ट्रेड जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, इनक्रेडिबल, इल्यूसिव, इनेप्ट या फिर इलिसिट, क्या रहेगा 532 का करेक्ट आंसर। जो चीज लॉ प्रोहिबिट करता है, लॉ बोलता है कि ये चीज गलत है, इसको क्या बोलते हैं, इलिसिट बोलते हैं, इलीगल होता है इसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन डी वाले एक सही है, यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। कोई ऐसी ट्रेड जो लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, लॉ मना कर रहा है, इलीगल बोल रहा है, दैट इज इलिसिट। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव, जिसको आप अविश्वसनीय कहते हैं, इल्यूसिव क्या होता है, जो इल्यूजन से भरा हुआ है, रियल नहीं है, डिसेप्टिव है,
धोखा हो सकता है, ठीक है, इल्यूजन है आपका। इनेप्ट क्या होता है? हैविंग और शोइंग नो स्किल, क्लमजी, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, दैट इज इनेप्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, बताओ ऐसा इंसान जिसको आर्ट एंड कल्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं है उसको क्या बोलते हैं? सिनिक, साइंटिस्ट, फिलियंडर या फिर फिलिस्टीन। 533 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ठीक है, फिलिस्टीन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, फिलिस्टीन जो इनडिफरेंट है टू आर्ट एंड कल्चर, दैट इज फिलिस्टीन। सिनिक क्या हो गया भाई? वन हु क्वेश्चन वेदर समथिंग विल हैपन और वेदर इट इज़ वर्थ वाइल, मतलब अगर आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो उसको ऐसा लगेगा कि सेल्फिश रीज़न है, जो बहुत ही डाउट में रहता है हमेशा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिनिक वैसे, ठीक है, जो हर चीज़ को क्वेश्चन करेगा करने से पहले, दैट इज़ सिनिक। साइंटिस्ट हम जानते हैं जो एक्सपर्ट है भाई, बहुत बढ़िया नॉलेज है उसको पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, साइंस के बारे में। फिलियंडर क्या होता है? जो लफंडर टाइप के लोग होते हैं हम जानते हैं, ठीक है, दैट इज़ फिलियंडर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 534 पे आते हैं। वन हु एम्ब्रेसेस वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, बताओ जो खुद डेथ को एम्ब्रेस करे कि हाँ ठीक है, ही इज़ रेडी टू डाई फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फैनेटिक, मार्टियर, पेट्रॉइट या फिर डिप्लोमैट, क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर 534 का? जल्दी से, अपने देश के लिए जो खुद सेक्रीफाइस कर दे उसको क्या बोलते हैं? मार्टियर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं? मार्टियर बोलते हैं ऐसे इंसान को, हम जानते हैं, इजी है। फैनेटिक अभी बताया था, जिसके पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, एक्सट्रीम लेवल की जील शो करता है, एंथुजियाज्म शो करता है, दैट इज़ फैनेटिक। पेट्रॉइट कौन होता है? जो सपोर्ट करते हैं कंट्री को, ठीक है, अपने एनिमीज से बचाते हैं, देशभक्त बेसिकली। और डिप्लोमैट क्या होता है? जो एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपनी कंट्री का किसी बाहर की कंट्री में, अब्रॉड में, दैट इज़ डिप्लोमैट, ठीक है, क्लियर। एंड ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री अब्रॉड, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर बी हमारा सही है, ठीक है, मार्टियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, बताओ ऐसी चीज जो फिट है खाने के लिए, अनपैलेटेबल, डिलीशियस, एडिबल या फिर टेस्टी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? जो चीज खाने के लिए फिट है, समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, क्या बोलेंगे उसको? ऑप्शन नंबर सी, एडिबल, ठीक है, जो खाने के लिए सही है, परफेक्ट है, दैट इज एडिबल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनपैलेटेबल क्या हो गया? जो प्लेजेंट, टेस्टी नहीं है बेसिकली, गंदा है टेस्ट पे। पैलेटेबल इज टेस्टफुल, डिलीशियस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है जो। चलो आगे बढ़ते हैं, 536 पर आ चुके हैं। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो चीज़ समझ नहीं आए उसको क्या बोलते हैं? इलेजिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनएक्सप्लीकेबल या फिर इनफॉलिबल, क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर यहां पर? समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, बहुत बार डिस्कस कर लिया है ये क्वेश्चन भाई, सीजीएल में ही पूछा गया है, जो चीज समझ से बाहर हो। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब होता है जिसको आप समझ सको, कॉम्प्रीहेंड कर सको, आपको समझ आए कि क्या है इसमें, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सो इनकॉम्प्रीहेंसिबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। इलेजिबल क्या होता है? जो क्लियर नहीं है, ठीक है। इनएक्सप्लीकेबल क्या होता है? जो एक्सप्लेन ना किया जा सके, ठीक है। इनफॉलिबल, जो कभी भी गलत नहीं होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, दैट इज इनफॉलिबल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, इनकॉम्प्रीहेंसिबल यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, बताओ वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, जो हेल्प करता है किसी भी पर्सन को जो जरूरतमंद है, उसको क्या बोलते हैं? वेटरन, कोलैबोरेटर, समैरिटन या फिर मर्सिनरी,
सीजीएल का ही क्वेश्चन है ये भी, करेक्ट आंसर बताएंगे। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, जरूरत के समय पर जो मदद करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समैरिटन। समैरिटन अ गुड हार्टेड पर्सन, जिसका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो हमेशा लोगों की मदद करता है, बी इट फिनेंशियल हेल्प, बी इट फिजिकल हेल्प, किसी भी तरह की, ठीक है। सो समैरिटन बोलते हैं हेल्पफुल पर्सन को, चैरिटेबल पर्सन को। वेटीरियन बोलते हैं जिसके पास बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है, ए यानी आएगा, ठीक है, जिसके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो काम कर रहा है बहुत टाइम से, दैट इज़ वेटीरियन। कोलैबोरेटर क्या होता है, द वर्क हु द पर्सन हु वर्क जॉइंटली ऑन एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, ठीक है, किसी के साथ किसी एक्टिविटी पे या फिर प्रोजेक्ट पे जो साथ में काम कर रहा है, दैट इज़ कोलैबोरेटर। मर्सिनरी क्या होता है, प्राइमरी कंसर्न विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, जिसको पैसे बनाने हैं पहले। मॉरल वैल्यू सही गलत का मतलब नहीं है, बस पैसे बनाने से मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा रिच होने से मतलब है, उसको बोलते हैं मर्सिनरी, ठीक है, क्लियर, अच्छा वर्ड है याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 538 पे आते हैं। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, बताओ। अरे बहुत आसान है, कोई भी चीज़ इन्वेंट करी है उसका सोल राइट है उस इंसान के पास कि उसको बेच सकता है, उसको क्या बोलते हैं या बना सकता है, पेटेंट, हेयरलूम, कॉपीराइट या फिर इनहेरिटेंस, क्या रहेगा करेक्ट आंसर यहां पर। सोल राइट है किसी के पास मतलब उसके पास उसका क्या है, पेटेंट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट क्या हो गया, वही लीगल राइट टू बी दी ओनली पर्सन हु मे प्रिंट कॉपी और परफॉर्म, ठीक है, उसी के पास कॉपीराइट है। इनहेरिटेंस क्या होता है, जो चीज़ आपने एक्वायर की है, इनहेरिट की है, आपको मिली है बेसिकली। हेयरलूम क्या होता है, कोई भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट दैट जो आपकी फैमिली पे बहुत जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, दैट इज हेयरलूम, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बहुत बार डिस्कस किया है, जो बहुत ही ज़्यादा बुक्स से प्यार करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं। देखिए कहीं पर भी फोबिया आए तो मतलब डर की बात हो रही है, कहीं पर भी लास्ट में फाइल आए मतलब होता है लव, ठीक है, फाइल मतलब होता है प्यार, लव। तो बिब्लियोफाइल, जेनोफाइल, हीमोफाइल या फिर पीडोफाइल, क्या रहेगा करेक्ट आंसर। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही हैं, बिब्लियोफाइल, बिब्लियो इज बेसिकली बुक्स, ठीक है, सो बिब्लियोफाइल इज द ग्रेट लवर ऑफ बुक्स हो गया, ठीक है। जेनोफाइल क्या हो गया, जो कि फॉरेन थिंग्स के लिए बहुत अट्रैक्ट होता है, फॉरेनर्स को बहुत प्यार करता है, दैट इज जेनोफाइल। मोफाइल क्या हो गया, हीमोफाइल है ये बेसिकली, ठीक है, हीमोफाइल, हीमोफाइल क्या होता है, ये एक बीमारी होती है बेसिकली, जहाँ पर अगर कोई कट लग गया आपकी बॉडी में तो जो ब्लीडिंग होती है, जो खून निकल रहा होता है, वो रुकता नहीं है ऐसे, ठीक है, मतलब खून निकलता रहेगा, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती रहेगी, दैट इज हीमोफाइल। पीडोफाइल क्या हो गया, ठीक है, एडल्ट हुई सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, ठीक है, जो बच्चों की तरफ सेक्शुअली अट्रैक्टेड होता है उसको पीडोफाइल कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अफिक्शियस नेम यूज बाय एन ऑथर, मतलब जो उसका रियल नेम नहीं है उसके अलावा जो वो नाम यूज कर रहा है, सीरोनेम, होमोनेम, एलीबी या फिर एनोनिमस, क्या रहेगा करेक्ट आंसर 540 का। सीडोनिम, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फिक्शियस नेम यूज बाय एन ऑथर को बोलते हैं सीडोनिम, ऑप्शन ए, क्या बोलते हैं, सीडोनिम बोलते हैं, ठीक है। होमोनिम क्या हो गया, ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग, जिसकी सेम स्पेलिंग है लेकिन मतलब क्या है, अलग अलग है, ठीक है, सेम स्पेलिंग, प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलीबी क्या हो गया, एन एक्सक्यूज और प्रीटेक्स, ठीक है, जो भी बहाना आप मार रहे हो। एनोनिमस क्या हो गया, अननोन नेम जो है दैट इज एनोनिमस, ठीक है, ओके, सो 540 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, बताओ, ऐसी जगह जहां पर फ्रूट ट्रीज को ग्रो किया जाता है।
ऑर्चिड फार्म, प्लांटेशन या फिर गार्डन? अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्चर्ड बोलते हैं ऐसी जगह को, ठीक है? क्लियर? फार्म देख लीजिए, एरिया हो गया लैंड का, ठीक है, हम जानते हैं। प्लांटेशन क्या हो गया, जहाँ पर आप कैसी कॉफ़ीज उगाते हैं, कॉफ़ी हो गई, शुगर क्रॉप्स उगाते हैं, कॉफ़ी, शुगर, टबैको, ऐसा ग्रो किया जाता है, प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं उसे। गार्डन क्या हो गया, ऑर्नामेंटल ग्राउंड, जो पब्लिक इंजॉयमेंट के लिए, उनके फन के लिए बनाया गया है, जहाँ लोग घूम सकते हैं, दैट इज़ गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 542, क्वेश्चन नंबर 542। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, बताओ ऐसी जगह जहाँ पर हम गन्स को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। आर्काइव, आर्सेनल, एपियरी या फिर एवियरी, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्सेनल, ठीक है, आर्सेनल, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्काइव क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों के बारे में जानकारी दे दी, इंस्टीट्यूशन के बारे में जो जानकारी देता है, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं आर्काइव। एपियरी क्या हो गया, जहाँ पर आपके बीज रखे जाते हैं, दैट इज एपियरी। एवियरी क्या हो गया, जहाँ पर बर्ड्स रखी जाती है, डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसी चीज जिसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल या फिर इनसेचिएबल। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इनसेचिएबल, ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनसेचिएबल बोलते हैं जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। इनक्रेडिबल क्या हो गया, अविश्वसनीय, हम जानते हैं। इम्प्रोबेबल क्या होगा, जो सच हो, जरूरी नहीं है, नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन, जरूरी नहीं है जो होगा। इम्पॉसिबल, नॉट एबल टू अकर, एग्जिस्ट और डन, ठीक है, जो नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, क्लियर? द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, बताओ रेट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, क्या रहेगा करेक्ट आंसर 544 का? द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, पुराने समय को जब आप देखते हो उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। इंस्पेक्शन क्या हो गया, केयरफुल, आप कोई चीज़ को एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है, कोई स्क्रूटनी को देख रहे हो, कोई मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हो, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो। सर्कमस्पेक्शन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी केयरफुल, मतलब वेरी मतलब होता है केयरफुल एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ही केयरफुली कोई चीज़ करना चाहते हो और किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, दैट इज सर्कमस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या हो गया, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वन ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करना, चेक करना अपने खुद को, ठीक है, कि हमारा मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस कैसे चल रहा है, हाउ इमोशनल वी आर, हाउ इंटेलिजेंट वी आर, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, बताओ एक परफेक्ट बैलेंस की स्टेट को, कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, इक्विवेलेंट, इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलेटरल, क्या रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, ब्रियम बोलते हैं ऐसी जगह को, ठीक है, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विनॉक्स क्या हो गया, एक ऐसा टाइम या फिर डेट जहां पर सन जो है, ओके, एक ऐसा समय जहां पर आपके जो डे है और जो नाइट है बेसिकली वो क्या होती है, इक्वल लेंथ पे होती है, ठीक है, दो टाइम पे होता है, एक 22 सितंबर को होता है और एक 28 मार्च को होता है, ठीक है, जिसको हम समर इक्विनॉक्स या फिर विंटर ऐसे कुछ बोल सकते हैं शायद, इक्विनॉक्स हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट हो गया, जो किसी चीज़ के इक्वल है वैल्यू में, इक्विलेटरल हो गया,
जिसकी सारी साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। चलिए, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको क्या बोलते हैं, वन हु वॉक्स इन स्लीप। ओमनीपोटेंट सोमनैम्बुलिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर पेडिस्ट्रियन, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? वन हु वॉक्स इन स्लीप। बाकी तो सारे वर्ड जानते हो ना, सोमने एम्बुलिस्ट करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है भाई। ओमनीपोटेंट क्या होता है ये सब हम डिस्कस करके आ चुके हैं, जिसके पास जो कुछ भी कर सकता है, बहुत सारी पार है, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। पेडिस्ट्रियन कौन होता है, जो ट्रैवल करता है ऑन वॉक, मतलब ऑन फुट, ठीक है, जो वॉक करना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, वेरी सिंपल, स्लाइट, हिडन, इनविजिबल, इनऑडिबल, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? सीजीएल में देखो कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाता है, जल्दी से। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई ना दे। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनऑडिबल, ठीक है, जो सुनाई ना दे, दैट इज इनऑडिबल कहते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारे इजी वर्ड्स हैं। क्या इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके। इनक्रेडिबल, इनवॉइलेबल, इनकॉरिगेबल या फिर इम्पॉसिबल, 548 का करेक्ट आंसर। जिसको करेक्ट ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनकॉरिगेबल हो गया, वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, दैट इज इनकॉरिगेबल। इनवॉइलेबल क्या हो गया, जो कभी भी, नेवर टू बी ब्रोकन, इनफ्रिंच्ड और डिसऑनर्ड, ठीक है, जिसपे आप, जो चीज़ कभी ख़राब नहीं की जा सकती है बेसिकली, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको डिफेम नहीं किया जा सकता, जिसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की जा सकती, दैट इज इनवॉइलेबल। इनऑडिबल जो सुनाई ना दे। वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो इतनी आसानी से नहीं थकता है उसको क्या बोलते हैं? इन डिफेटिगेबल, इन फ्लैटेबल, इनडेलिबल या फिर इनडिस्ट्रक्टेबल, क्या रहेगा करेक्ट आंसर 549 का? वन हु डज नॉट टायर इजीली, इतनी आसानी से जो नहीं थकता है, ऑप्शन जल्दी से क्या रहेगा 549 का करेक्ट आंसर? इनडिफेटिगेबल, फेटिगेबल हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। इनफ्लैटेबल क्या हो गया? कैपेबल ऑफ बीइंग फिल्ड विद एयर, ठीक है। इनडेलिबल क्या हो गया? कोई भी ऐसा निशान, कोई भी ऐसा मार्क जिसको रिमूव ना किया जा सके, दैट इज इनडेलिबल। इनडिस्ट्रक्टेबल, जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। इनकैपेबल ऑफ बींग रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? इन अनसीन, एलिजिबल, इलिजिबल या फिर वेग, 550 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, इलिजिबल बोलते हैं, बहुत ही आसान था, ठीक है, जो पढ़ा ना जा सके, दैट इज इलिजिबल। क्लियर, अनसीन हमें पता है, लेजिबल हम जानते हैं, वेग क्या हो गया, जो क्लियर नहीं है, असर्टेन नहीं है, ठीक है, जो क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, जिसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है पूरा एग्जैक्ट, वो क्या कहना चाह रहा है, दैट इज वेग, ठीक है। सो इलिजिबल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, डक्टाइल, स्मूथ, फ्लेक्सिबल या ब्रिटल, क्या रहेगा 551 का करेक्ट आंसर? जिसको आप वायर में बनाए, कोई भी ऐसे, आपने साइंस में पढ़ा होगा, कोई भी शीट होती है मेटल की, उससे आप वायर बना सकते हो, उसको वायर की फॉर्म में बना सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? दैट विच कैन बी ड्रॉन इन टू अ थिन वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है, जिसको थिन वायर की फॉर्म में बनाया जा सके, दैट इज डक्टाइल, ऑप्शन ए, ठीक है। ब्रिटल, हार्ड बट लाइबल टू ब्रेक इजिली, जो इजिली टूट जाए, दैट इज ब्रिटल, ठीक है। फ्लेक्सिबल, जो इजिली बेंड हो जाता है, ब्रेक नहीं करता, दैट इज फ्लेक्सिबल। चलो,
टू इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, बताओ जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कंसिडर करोगे आप उस, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर मतलब इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर ध्यान दें, उसको क्या बोलते हैं, ट्रीवियल नोटिसबल नथिंग या फिर डिमिन्यूटिव, बताओ 552 का करेक्ट आंसर, समथिंग दैट इज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रीवियल बोलते हैं, ठीक है, टू इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर इज ट्रीवियल, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, ठीक है, बाकी सारे बहुत ही इजी है, डिमिनिटिव क्या हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, नोटिसेबल, क्लियर है, अपेरेंट है, नथिंग, इजी वर्ड्स हैं, चलो, लाइबल टू ब्रेक इजीली, जो इजीली टूट जाए, ब्रिटल, सॉफ्ट, बेंट, थिन, जल्दी से क्या रहेगा करेक्ट आंसर, जो इजीली ब्रेक कर जाए, ब्रिटल, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है, लाइबल टू ब्रेक, इजी क्वेश्चन है, 554 पे आते हैं, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, बहुत बार कर लिया है, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइबल, कंटेंडेड, इनसेटिएबल, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, इनसेटिएबल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, दैट इज इनसेटिएबल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है, सेटिस्फैक्ट्री, जो कंटेंटेड है, बेसिकली परफेक्ट है, सेटिफाइबल, कैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाई किया जा सके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, CGL की शिक्षा में पूछा गया है, थर्मोमीटर, ऑल्टोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर, क्या रहेगा करेक्ट आंसर 555 का, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो चीज मेजर करती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी, बैरोमीटर, जी हाँ, सी करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर बोलते हैं ऐसी चीज को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, थर्मोमीटर क्या हो गया, जो टेम्परेचर मेजर करता है, एमीटर क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है, कि किसी में से कितनी करंट फ्लो कर रहा है, एमीटर, ठीक है, सो अराउंड 55 क्वेश्चन और 45, अराउंड 45 क्वेश्चन हमने आज के सेशन में कंप्लीट किए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के थे, CGL के हमने क्वेश्चन उठाए, कुछ उससे पहले हमने CHSL के भी करे, सो सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, एक बुक में कंपाइल भी कर रखे हैं, बुक का क्वेश्चंस का कंपाइलेशन चाहिए तो बुक को परचेज कर लीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते रहिए, ताकि एक आइडिया लगता रहे कि पेपर के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ आप कितने तैयार हो पेपर के लिए, कि अगर आप बैठते हो एग्जाम में तो क्या आप उसको हिट कर दोगे, आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।